Hi guys and welcome back to my channel and welcome if you are new here. आज मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ आपके लिए जो है पिजन का ब्रूस्टर कॉफ़ी मेकर. ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था और ये कोई पेड प्रमोशन या इंक्लूडेड प्रमोशन पेड टाइप का वीडियो नहीं है. ये मैंने खुद के पैसे से ख़रीदा था और मैंने अमेज़ोन के साइट से ख़रीदा था. तो पहले तो ये प्रोडक्ट जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, पर 2-3 यूज़ के बाद अब मैं इस प्रोडक्ट को समझ गई हूँ तो मैं आपके साथ इसका रिव्यू करना चाहती हूँ. सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और निकालेंगे इस प्रोडक्ट को. आप देख सकते हैं बहुत स्लीक सा, शाइनी सा, छोटा कॉम्पैक्ट सा कॉफ़ी मेकर है जो कि कहीं भी आपके किचन में फिट हो जाएगा, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा. और इसका जो बैक साइड का रॉड है जो कि स्विच बोर्ड में आपके लगता है वो भी काफ़ी लंबा है, तो आपको बहुत आराम रहेगा कहीं पे भी इसे लगाने के लिए. ये इसका केटल है जो कि आप देख सकते हैं जिसमें कॉफ़ी फ़िल्टर होके निकलता है. बहुत छोटा सा, स्मॉल सा, कॉम्पैक्ट सा है और इसको क्लीन वीन करना भी बहुत आसान होता है. पर ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं नाजुक है. ये है इसका फ़िल्टर जिसमें कॉफ़ी जाती है और बैक साइड में आप देख सकते हैं, अभी मैं कैमरा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ, इसका वाटर टैंक जिसमें जाता है पानी. जी हाँ, इस वाटर टैंक में जाता है पानी और यहाँ से फ़िल्टर होके हमारी कॉफ़ी निकलती है. तो आइए चलिए डाल लेते हैं इसमें पानी. इसमें पानी मैं 2 कप के आसपास डालूँगी. ये मैंने डाल लिया 2 कप के आसपास पानी. आप देख सकते हैं अप टू 2 भर गया है पानी. अब मैं डालूँगी इसमें मेरी ग्राउंडेड कॉफ़ी. जो कॉफ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी. ये स्पून इसके साथ मिला था तो ये मैंने अपने कॉफ़ी के बॉक्स में ही रख लिया है. तो 2 स्पून के आसपास मैं कॉफ़ी डाल दूँगी और स्टार्ट करूँगी इस मशीन को कि ये कॉफ़ी ब्रू करे. पर सबसे इसमें प्रॉब्लम वाली बात ये है गाइस कि अगर आप सोचते हैं कि 2 मिनट में कॉफ़ी ब्रू होके निकल जाएगी तो ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता है. कॉफ़ी को बनने में समय लगता है. कॉफ़ी कम से कम 15 से 20 मिनट लेती है ब्रू होने में. ये देखिए मैंने यहाँ स्विच ऑन कर दिया है. अब मैं कॉफ़ी को छोड़ दूंगी ब्रू होने के लिए और देखते हैं ये कितना टाइम लेता है ब्रू होने में. ब्रू होने में एग्जैक्टली गाइस इसने लिए 15 मिनट्स, जितनी कप कॉफ़ी मुझे चाहिए थी. तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये 15 मिनट्स लेता है. ये बहुत स्लो काम करता है. इसका ड्रॉबैक बस यही एक फ़ीचर है कि ये बहुत स्लो काम करता है और कोई इसका फ़ीचर ड्रॉबैक में नहीं है. मैं अपने डाइनिंग टेबल पर रिव्यू कर रही हूँ गाइस, तो यहाँ पापा की कुछ मेडिसिन्स रखी हुई हैं साइड में जिन्हें मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीक्लटर थी. तो आइए वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पर जो कि है हमारा पिजन का कॉफ़ी ब्रूस्टर. तो आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी ब्रू हो रही है, तो मैं थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ जब तक ये कॉफ़ी ब्रू होती है. ओके गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास कप में शुगर है और मेरी कॉफ़ी ब्रू हो गई है. तो जितनी मुझे चाहिए उतनी मैं अपने कप में निकाल लूँगी. और ये रही हमारी फ़िल्टर कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, जो भी आप इसे नाम देना चाहें. और इसमें मैं शुगर स्टर कर लूँगी तो ये नॉर्मली आपकी फ़िल्टर कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी कहलाएगी और ये रेडी हो जाएगी तुरंत ड्रिंक करने के लिए. शुगर को अच्छी तरीके से इसमें स्टर कर लेना है कि शुगर नीचे रेसिड्यू में ना रह जाए, इसलिए शुगर को अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए.
वरना आपका शुगर वेस्ट जाएगा। तो ये तैयार हो गई हमारी ब्लैक फ़िल्टर कॉफ़ी। पर अगर आप ब्लैक फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं तो आप कैफेचिनो भी इसमें बना सकते हैं, मिल्क कॉफ़ी भी इसमें बना सकते हैं। अगर आपको कैफेचिनो मिलाना है तो ठंडे मिल्क को फ्रॉथ कर लीजिए। यहाँ मैंने वार्म मिल्क लिया है क्योंकि मैं मिल्क कॉफ़ी बनाना चाहती हूँ, और ये मैंने अपनी डिज़ायर अमाउंट ऑफ मिल्क इसमें डाल दिया है। और ये तैयार हो गई है मेरी मिल्क कॉफ़ी, जो कि मैं प्रिफ़र करती हूँ पीना इस ब्रूस्टर से ब्रू करके कॉफ़ी, जिस तरीके से मैं पीना चाहती हूँ ये मैंने तैयार कर ली है। अब मैं इस कॉफ़ी को इन्जॉय करूँगी। और आप भी अगर ये परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं दे दूँगी आप लोग को, आप ज़रूर परचेस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। तो चलिए मैं इन्जॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी और आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, हो सकता है किसी और चीज़ के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस व्लॉग को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा।